हेलो दोस्तों, और आप स्क्रीन में देख के सोचते होंगे कि ये क्या है। तो ये दोस्तों कोकून है, जो सिल्क हमें मिलता है, रेशम, ये इनसे बनता है। जैसे ये देख लीजिए, ये सहतूत के धागे से बनी हुई मलबरी सिल्क है, ये मुगा सिल्क है। तो ये किससे बनते हैं? कोकून से। और कोकून होती है एक कीड़े की एक स्टेज होती है, और कीड़ा यानी कि ये। अब ये दोस्तों तितली तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? ये तितली ही की जैसी हमें लगती है, लेकिन ये होती है मौत। मौत तो जैसे सहतूत के पेड़ में, मूंगा के पेड़ में, तगर के पेड़ में, इनमें जो ये तितली जैसे कीड़े हैं, ये अपने अंडे देते हैं, और इनके अंडों के बढ़ने की स्टेज में जो बनते हैं कोकून, उनसे हमको धागा मिलता है। तो ये हैं कोकून। ये अनडेवलप्ड मौत होती हैं, जिनसे जो इनकी स्टेज होती है एक, उस स्टेज में हमको कोकून मिलता है, और इससे इतना प्यारा सा हम धागा बना लेते हैं रेशम का। और यहाँ पर को एक अंकल बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा सेटअप लगाया हुआ है, पूरी मशीन है कि किस तरीके से वो रेशम को निकालते हैं। ये गर्म पानी में इन्होंने कोकून डाला हुआ है, अंकल रेशे निकाल रहे हैं। देखिए, तो अब अंकल से पूछते हैं कि वो किस तरीके से क्या कर रहे हैं। अंकल, ये क्या बन रहा? रेशम सिल्क का धागा। सिल्क का धागा। और ये है क्या चीज? मुगा। ये कौन है? अच्छा, इसे पहले पानी में बॉईल किया है? हाँ, उबालना है। अच्छा, ये क्या सिल्क? सिल्क का जो बनता है ना कपड़ा, धागा ही नहीं। ये बॉयल कर रखे हैं ना, ये गर्म किए हैं, फिर उससे वो निकाल रहे हैं, रेसे निकाल रहे हैं, फिर ये पूरा प्रोसेस होगा। ये इतनी पूरी मशीन है, ये धागे बन रहे हैं। ये पानी में डालना है कोकून, सिल्क, सिल्क बन रहे हैं। ये कोकून है उनका, वो सिल्क का धागा। ये है, ये अलग अलग धागे दिखा रखे हैं। ये धागा, ये मूंगा का सिल्क, मूंगा यान, और ये मेलबरी का सहतूत से बनता है जो ना, इसमें चिपका रखा है, वो इसी निकल जा रहा है। तो उसमें बना रखे हैं, और धागे बन रहे हैं उनके। ये रील बन रही है, गरम पानी। एक रील बनने में कितना कोकून लगता होगा? इसका सब हमें नहीं है। अच्छा। जो कोवर करा वो उतना ही होगा। अच्छा। लेकिन कोकून में 600 मीटर निकलता है। अच्छा, 600 एक कोकून में? 600 मीटर। अच्छा, देखा आपने दोस्तों, 600 मीटर एक कोकून से मिलता है, और कोकून मतलब मौत से मिलता है। तो इसका मतलब हमें अपने रेशम का वस्त्र पहनने के लिए कितने सारे कोकून लगेंगे, सोचिए। कितने सारे बेचारे कीड़े, कीट पतंगे, क्योंकि ये तो कीट पतंगों में आया ना। और दोस्तों, अभी हम इनसे पूछने वाले हैं इसका लाइफ साइकिल। ये सोम का वृक्ष है, जिसमें इन कीड़ों पतंगों को पाला जाता है। वैसे हमारे यहाँ सहतूत में भी और तगर में भी पालते हैं। तो ये भैया बताएंगे उनको लाइफ साइकिल इन कीट पतंगों का। इसमें से रेशा निकलता है, पहले यहाँ से शुरू होगा, अंदर से बाहर आएगा, छोटा छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा ऐसा। उसके बाद इसका सिलाई बस है, ये बनाएगा, वो अंदर घुस जाएगा। तो ये देखिए, मेलबरी एग भी दिख रहे हैं यहाँ पर। ये बनता है बिलच्ची, धागे के साथ रखे हुए हैं। ये है एग। देखिए एग, और उनकी अलग अलग स्टेज दिखा रहे हैं। ये फर्स्ट इनसेटर, इनकी फर्स्ट स्टेज है। फिर सेकंड स्टेज में एग से जो डेवलप हुए, ऐसे हो गए कीड़े, इनसेटर ना। थर्ड स्टेज, कीड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं। फोर्थ स्टेज में और भी थोड़े बड़े। ये देखिए, फिफ्थ स्टेज में कितने बड़े हो गए कीड़े। इसके बाद फिर क्या प्रोसेस है? इसके बाद ये फॉर्म होगा। अच्छा, ये कोकून बनेगा इसके बाद, फिफ्थ के बाद। के बाद
आपको धागा मिलेगा, उसके बाद कपड़ा बन जाएगा, फिर ये मौत है। ये क्या इसका नाम? नहीं नहीं, इसका नाम नहीं है, ये पर्टिकुलर इसका नाम खरीका है। अच्छा, इसका नाम। ये मौत हो गई, एग हो गई, फिर इसके सारे प्रोसेस। ये कीड़ा है। तो दोस्तों, देखा आपने छोटे से कीट पतंगे से, सिल्क वॉर्म से हमको कैसे अलग अलग स्टेजेज में जाके कोकून मिलता है। कोकून से हम रेशे बनाते हैं, रेशम के धागे बनाते हैं, और इन धागों से हमको मिलते हैं रेशम, जिसके कि हम बढ़िया से कपड़े अलग अलग बनाते हैं।